उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में स्थित मुक्ति धाम में आबकारी विभाग और शराब ठेकेदार के संयुक्त प्रयास से बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने मुक्ति धाम में फलदार वृक्षों का रोपण करते हुए उनकी सुरक्षा की शपथ ली, साथ ही आम जन से अधिकाधिक वृक्ष लगाने की अपील की। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर उमरिया जिले के कलेक्टर धर्मेंद्र कुमार जैन के कुशल निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी गोपाल सिंह राठौर के कुशल मार्गदर्शन में आबकारी अमला और ठेकेदारों द्वारा क्षेत्र के चिन्हित स्थलों में बृहद वृक्षारोपण कर सराहनीय पहल की जा रही है। उल्लेखनीय है कि सीएम के आह्वान पर प्रदेश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार आमजन भी शामिल हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये अभियान चलाया गया है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाया जाए, तो हम सभी लोगों से अपील करती हूँ कि वो पेड़ सभी लोग लगाएं। हम लोग आज आबकारी विभाग एवं ठेकेदार के सहयोग से यहाँ हम मुक्ति धाम आए हुए हैं और यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए हैं, वृक्षारोपण किए हैं। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पेड़ पौधे लगाएं, उसकी सुरक्षा करें, संरक्षण करें, ताकि हम लोगों को या सब लोगों को ये ऑक्सीजन इससे हमको मिलती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका वो करें, सुरक्षा करें इसकी पेड़ पौधे की। मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत कलेक्टर उमरिया एवं आबकारी विभाग के मार्गदर्शन से बिरसिंहपुर पाली में आज पाली के कॉन्ट्रैक्टर एवं आबकारी विभाग के सहयोग द्वारा बिरसिंहपुर पाली के शमशान घाट में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें अनेक प्रकार के फल लगाए गए हैं जो जिनके संरक्षण का भी देखभाल का संकल्प लिया गया है और एक न एक दिन ये पेड़ जरूर बड़े होंगे और लोगों के लिए फलदायक होंगे तथा कहीं न कहीं पृथ्वी पर पेड़ों की जनसंख्या में वृद्धि में भी सहयोग करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एक पेड़ माँ के नाम, जो कि पर्यावरण संरक्षण के तहत है, ये कार्यक्रम उमरिया जिले के पाली क्षेत्र में किया जा रहा है, जो कि माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार एवं आबकारी विभाग द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। क्या संदेश दे रहे हैं, यहाँ पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, क्या फायदा हो गया? हमारा लक्ष्य यही है कि हम चाहते हैं कि पर्यावरण में अपना भी कुछ योगदान दे और फलदार वृक्ष लगाएं, जिससे कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और एक वो भी जाए, संदेश भी जाए सभी युवाओं के लिए या सभी वर्गों के लिए, कि जिससे कि पेड़ लगाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। बिरसिंहपुर पाली से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।